फार्मास्यूटिकल सेक्टर के जो टॉप 6 स्टॉक्स हैं, जो मिड कैप स्टॉक्स हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स बताएंगे जो कि आपको आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ देगा। जैसे आप छोटे पौधे लगाते हैं तो वही छोटा पौधा बड़ा होकर के आपको अच्छे फल देते हैं, उसी तरह से ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप होते हैं ये एक छोटे पौधे के जैसा है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चल करके ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। तो इसमें हम आपको स्मॉल कैप स्टॉक बता रहे हैं जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के हैं। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि जितने आप स्मॉल कैप मिड कैप में लगाएंगे उतने ज्यादा वो रिस्की स्टॉक्स होते हैं। इसमें आपको ग्रोथ काफी मिलेगा, रिटर्न भी काफी मिलेगा, तो रिस्क भी काफी है। तो इसलिए अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर कर लें, अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करें और अपना रिस्क जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें आपका रिस्क क्या है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी जो मार्केट है अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसे में आप इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है यहां से प्राइस में करेक्शन आए, लेकिन जब आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो SIP करना है, छोटे छोटे अमाउंट लगाना है हर प्राइस लेवल पे, तो आपका जो 5 इयर्स 10 इयर्स का जो लॉन्ग टर्म का व्यू है उसमें काफी अच्छा रिटर्न आपको देखने मिलेगा। पहला जो हमारा स्टॉक है वो है लुरुज लैब। लुरुज लैब दोस्तों काफी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, अभी भी एक कंपनी एक्वायर किया है। ये एक मिड कैप स्टॉक है, इसका मार्केट कैप देखते हैं 19,000 करोड़ का है, करेंट प्राइस 371 का है और ये जो है अब 52 वीक लो इसका मात्र 60 रुपीज का है। समझ सकते हैं 60 रुपीज से ये यहाँ तक का जर्नी तय किया है और इसका हाई जो है 380 रुपीज है, तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये स्टॉक है। पी की बात करें 33.3 का है जो कि इंडस्ट्री के पी के जस्ट इक्वल है, देखते हैं एकदम इक्वल है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है, उसके बाद पी जो है इंडस्ट्री के पी के लगभग इक्वल ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.2% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.4% है और प्रमोटर्स का स्टेक 28.7% है मात्र, इसमें 15% शेयर प्लेस्ड है। तो याद रखिएगा प्रमोटर स्टेक काफ़ी कम है कंपनी में, कोई भी हरकत करता है प्रमोटर मतलब कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसका सीधा असर पड़ेगा कंपनी के शेयर के प्राइस पर। अर्निंग पर शेयर 11.20 रुपीज़ का है और प्रॉफिट में ग्रोथ काफ़ी देखने मिला है जो कि शेयर में भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 60 रुपये से ये 371 जा चुका है, जिसका कारण क्या है प्रॉफिट में ग्रोथ। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट है 598 करोड़, वही रिजर्व है 2000 करोड़ का, कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट भी है और डेट है 932 करोड़ का और कंपनी का इन्वेस्टमेंट है मात्र 3 करोड़ का। डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है 0.43 जो कि काफ़ी कम है, तो डेट और इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी जो कंपनी है हमारा वो है आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। ये कंपनी का अभी करेंट प्राइस है 686 रुपीज और इसका लो प्राइस देखिएगा 105 रुपीज था और यहाँ से ये 100 रुपीज से ये 1000 रुपीज तक मतलब 10 टाइम्स का रिटर्न मात्र दिया। ये मार्च में जो गिरावट आया था पैंडमिक कारण 2020 में, वहाँ से लेकर के दिसंबर तक में, तो दोस्तों इस ऐसे बेहतरीन कंपनियाँ अभी आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मिल जाएंगे क्योंकि अभी फार्मा सेक्टर में काफ़ी तेज़ी देखने मिल रहा है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23 का है, तो दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। कंपनी का बुक वैल्यू जो है 87 का है और कंपनी का शेयर प्राइस बुक वैल्यू से काफ़ी हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, P 26 का है और इंडस्ट्री का P मात्र 21 का है, तो इंडस्ट्री के P से थोड़ा सा महंगे प्राइस पर आपको मिल रहा है, तो अच्छे स्टॉक हमेशा आपको महंगे प्राइस में ही मिलेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 143% का प्रॉफिट ग्रोथ है, वही प्रॉफिट जो है टोटल कंपनी का 247 करोड़ का है और रिजर्व कंपनी के पास 790 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर जो टोटल डेट है 339 करोड़ का, तो जो डेट है वो रिजर्व से आधे है, मतलब जो डेट है कंपनी का वो मैनेजेबल है और इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी का जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 13 करोड़ का और डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.42 का है, तो ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप इस कंपनी में भी चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी गिरावट मिलता है बाय ऑन डिप्स करना है, मतलब स्टॉक में SIP करना है। स्टॉक में SIP कब करते हैं, जब कभी भी शेयर प्राइस पर करेक्शन आता है तो उस प्राइस पर हम बाय करेंगे, जिससे हमारा जो ओवरऑल एवरेज प्राइस होगा एक अच्छा प्राइस होगा। इस लिस्ट में हमारा जो अगला कंपनी है वो है गैरोलेज इंडिया। ये भी एक मिड कैप कंपनी है या कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप के रेंज में कंपनी है। 8000 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 337 रुपीज़ का है और इसका भी लो देखिएगा 114 का है लो और यहाँ से ये स्टॉक जा चुका था 438 रुपीज़ तक
और इसका जो पी है 20 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी 21 है, तो अभी भी इंडस्ट्री के पी से नीचे वैल्यू पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है। रिजर्व की बात करें तो 1884 करोड़ का रिजर्व है, जबकि 772 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रखा है 19 करोड़ का, और प्रॉफिट में जो ग्रोथ है 35% का है, और नेट प्रॉफिट कंपनी का है 431 करोड़ का। वही कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, 42% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है कंपनी में, जिसमें से 8.64% प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है ब्लिस्ड है। वही जो हमारा आरती डेक्स था उसमें प्रमोटर होल्डिंग 60% का था, जिसमें से कोई भी स्टॉक मतलब शेयर प्लेज नहीं है। और आपको लुडोज लैब में भी शेयर प्लेज मिलेगा, और गैरुलेज इंडिया इसमें भी शेयर थोड़ा सा प्लेज मिलेगा प्रमोटर्स का, तो ये भी आपको हमेशा देखना ध्यान देना रहता है। उसके बाद इसमें जो हमारा चौथा स्टॉक है वह है कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैप देख लीजिए 3,624 करोड़ का है। करेंट प्राइस 479 का है, और इसका जो लोवेस्ट प्राइस था इस साल का, मतलब एक या पिछले 12 मंथ की बात करें तो 176 का, वहां से ये प्राइस जा चुका था 686 का, और अभी मात्र ये आपको मिल रहा है 479 पर। तो ये थोड़ा सा आपको सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि इसका स्टॉक का पी देखिएगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो 16 का है, जबकि इंडस्ट्री का है 23 का। तो ये अपने इंडस्ट्री के पे से काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10% का मात्र प्रॉफिट में ग्रोथ है, और टोटल प्रॉफिट जो कंपनी का 219 करोड़ का है, और प्रमोटर्स का होल्डिंग 69% है। तो काफ़ी अच्छा प्रमोटर्स का होल्डिंग है इस कंपनी में, और कंपनी के ऊपर डेट जो है 21 करोड़ का है, जबकि रिजर्व 1000 करोड़ का है। तो रिजर्व काफ़ी अच्छा है कंपनी का, डेट से काफ़ी ज़्यादा है, और इन्वेस्टमेंट कंपनी 21 करोड़ का कर रखा है, और कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो लगभग कहे तो 0 के बराबर ही है, क्योंकि 0.02 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब निग्लिजिबल डेट है इस कंपनी के ऊपर। वहीं अगला कंपनी जो हमारा वो है आयुएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 4100 मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 701 का है, और ये कंपनी का देख लीजिए कि जो लोवेस्ट प्राइस था मतलब पिछले 12 मंथ का 146 रुपया था, और इसका हाईएस्ट प्राइस जो था 899 रुपीज़ था। तो यहाँ से यहाँ तक कंपनी का शेयर प्राइस का जर्नी तय हुआ एक साल में, जबकि अभी जो ट्रेड कर रहा है प्राइस वो है 700 पर। दोस्तों ये सारे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मूव कर चुके हैं इस साल, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के जो सारे स्टॉक कई सालों से अंडर परफॉर्म थे। अगर इसके पी की बात करें मात्र 9 का पी है, जबकि इंडस्ट्री का 26 है, तो काफ़ी सस्ते पी पर अभी भी स्टॉक उपलब्ध है। ये केमिकल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर दोनों में है ये कंपनी। और वहीं रिजर्व की बात करें 1000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, और जो डेट है कंपनी के पास ऊपर मात्र 24 करोड़ का, जबकि 1036 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। इन्वेस्टमेंट कंपनी कुछ भी नहीं कर रखा है। अगर डेट टू इक्विटी की बात करें मात्र 0.02 का है, तो निग्लिजिबल डेट है कंपनी के ऊपर। प्रॉफिट ग्रोथ 24% का है, जबकि टोटल प्रॉफिट कंपनी का जो है एक साल का वो है 443 करोड़ का, और प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है कंपनी में वो 43% का है। तो दोस्तों ये सारे मतलब जो स्टॉक्स है काफ़ी बेहतरीन है, और इसमें से एक स्टॉक और है, तो 5 स्टॉक आपने को बताया, और जो लास्ट स्टॉक है वो है हमारा जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। ये इसका मार्केट कैप देख लीजिए 7676 करोड़ का है, मतलब एक मिड कैप कंपनी और एक कहीं स्मॉल कैप दोनों के बीच का है। इसका करेंट प्राइस जो है 993 का है, और इसका जो लोवेस्ट प्राइस है 12 मंथ का वो है 415 रुपी, और जबकि 52 वीक का हाई जो है मतलब पिछले 12 महीने का हाई वो लगाया है 1150 रुपये का, और अभी ये 1000 रुपीज़ के आसपास आपको मिल रहा है। और इसका पी 24 का है, जबकि इंडस्ट्री का 26, तो लगभग इंडस्ट्री के पी के इक्वल ही आपको मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 22% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 17.8% का है, और कंपनी जो डिविडेंड भी पे करती है कंपनी 1% का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का, जो कि अच्छा खासा है। प्रमोटर्स होल्डिंग 55.9% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है इसमें, और वहीं प्रॉफिट का ग्रोथ की बात करें तो 25% का प्रॉफिट ग्रोथ है इस कंपनी का। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वही 310 करोड़ का है, तो जो एक ईयर का मतलब एक साल का प्रॉफिट है कंपनी का वो 310 करोड़ का है। वही कंपनी का जो रिजर्व है 1611 करोड़ का है, और डेट कंपनी का 30 करोड़ का है। तो कंपनी के ऊपर जो डेट है 30 करोड़ का है। वहीं इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का रखा है 460 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का। डेट टू इक्विटी देख लीजिए निग्लिजिबल है 0.02 का, तो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। तो दोस्तों ये
6 स्टॉक जो है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। साथ ही दोस्तों रिस्क भी जान लीजिए, जितने आप छोटे कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे रिस्क आपको उतना ही ज्यादा होगा, साथ साथ रिटर्न भी उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा। तो रिस्क और रिटर्न दोनों आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।